पूर्व पुलिस कमिश्नर की शिकायत पर कुछ लोग कोर्ट गए और स्वयं कमिश्नर साहब कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने प्राथमिक इंक्वायरी के आदेश दिए थे। हमें जानकारी नहीं क्या कोर्ट के सामने प्राथमिक जानकारी बताई गई, क्या कोर्ट ने एफआईआर लॉन्च करने का निर्णय दिया है या आदेश दिया है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि देश में कानून से बड़ा कोई नहीं। अनिल देशमुख जी पहले भी इंक्वायरी में सहयोग कर रहे थे, किसी एजेंसी को कोई संदेह होगा निश्चित रूप से जांच कर सकती है, छापेमारी कर सकती है, एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला बनाया गया पहले दिन से पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। महाराष्ट्र में जो घटना हुई थी अंबानी जी के मकान के सामने बम लगाने की, आज तक वाजे किसके कहने पर ये काम कर रहा था, इसको लेके कोई खुलासा एनआईए नहीं कर रही। कमिश्नर साहब का कितना रोल था ये नहीं बताया जा रहा है। लेकिन एक कमिश्नर जिसे हटा दिया गया, जो अपने अधिकारियों के साथ एक टीम बनाकर मुंबई पुलिस में काम कर रहा था, उसे हटाने के बाद उसके खत पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है। कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग करके सरकार को बदनाम करना, गृह मंत्री को बदनाम करना, ये सारा खेल चल रहा है। हमें पूरा विश्वास है न्याय व्यवस्था में, आज नहीं कल जो भी होगा सच्चाई सामने आएगी और जो राजनीतिक खेल है वो आज नहीं कल एक्सपोज होगा। सर मराठीत अनिल देशमुख यांच्या विरोधात